नूरपुर क्षेत्र के अधिकतर गांवों में लोग पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा लोगों को गर्मी का मौसम होने की बात कहकर लटकाया जा रहा है। जिन गांवों में पेयजल की कमी थी, वहां विभाग को टैंकों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात पूर्व विधायक अजय महाजन ने प्रभावित लोगों में महिला कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग नूरपुर के कार्यालय के समक्ष खाली घड़े लेकर किए गए जोरदार प्रदर्शन और संबंधित अधिकारियों को दिए ज्ञापन के बाद पत्रकारों से कही। इस दौरान महिलाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संबंधित विभाग के कार्यालय के समक्ष खाली घड़े लेकर जमकर प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। अजय महाजन ने आरोप लगाया है कि वर्तमान विधायक अपने अब तक के कार्यकाल में कुछ भी नहीं कर सके हैं। नूरपुर क्षेत्र का विकास रुका पड़ा है, क्षेत्र में पानी के लिए हाय तौबा मची हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नूरपुर क्षेत्र में 35 जल संरक्षकों और पैराफिल्टरों के पदों को भरने की स्वीकृति हुई थी, जिसे भाजपा सरकार ने आते ही रद्द कर दिया। नूरपुर क्षेत्र में पानी की समस्या के लिए स्टाफ की कमी भी सबसे बड़ा कारण है। संबंधित विभाग में अनेक अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं। नूरपुर क्षेत्र में कोई अधिकारी आकर राजी नहीं है, जिससे नूरपुर की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नूरपुर क्षेत्र के अनेक गांवों में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने में विभाग पूरी तरह से नाकाम रहा है। पहले खड्डे सूखने का बहाना लगाकर जिम्मेवारी से मुंह मोड़ा जा रहा था, जबकि बीते सप्ताह में 2-3 बार भारी बारिश भी होने से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक ने चुनावों में नूरपुर शहर के सभी वार्डों में दोनों टाइम पेयजल उपलब्ध करवाने का वायदा किया था, लेकिन नूरपुर शहर में किए गए वायदे हवाई तीर ही साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में जिन पेयजल योजनाओं का कार्य शुरू किया गया था, वह भी ठप पड़ा है और नतीजन लोगों को पेयजल किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इससे साबित होता है कि वर्तमान विधायक की प्रशासन पर पकड़ ही ढीली है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिन ठेकेदारों ने विभाग में कार्य किए थे, उनके पैसों की अदायगी जानबूझकर रोकी जा रही है और सत्ता पक्ष के चहेतों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों ने पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत काम किए हैं, उनका शीघ्र भुगतान किया जाए। ये उत्पीड़न कभी सहन नहीं होगा और यदि भेदभाव किया गया तो इसके लिए कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और लोगों के साथ मिलकर विभाग का घेराव करने को बाध्य होगी। उपचुनाव क्षेत्र में पानी की बहुत दिक्कत है और हमने कई बार रिक्वेस्ट की, चिताया और सबको बोला कि लोगों को पानी दो, और हमने कहा कि हमें झूठे भाषण आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोगों को पानी चाहिए। पर बहुत दुख की बात है कि गर्मी बहुत पड़ रही है और नलकों में पानी बिल्कुल नहीं है। कई जगह महीना पानी नहीं आ रहा, कई जगह 10-10 दिन पानी नहीं आ रहा। तो आज लोगों ने एक उनका सब्र टूट गया है और लोग आज गए, हम एक्शन के दफ्तर के वहां पे नहीं थे और लेडीज खुद खड़े लेके आई हुई थी और उन्होंने तोड़ा, उनको कहा ये खाली घड़े एक मतलब जो है उनके दफ्तर के सामने तोड़ के आए। और उससे भी ज्यादा दुख की बात है कि प्रशासन के ऊपर यहाँ का जो विधायक है उनका कोई भी किसी ढंग का कंट्रोल नहीं है और यहाँ पे ऑफिसर्स नहीं है। यहाँ पे जेईस दो हैं पूरे सब डिवीजन के लिए, 35 पोस्टें राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में यहाँ नूरपुर के लिए सैंक्शन हुई थी, जल रक्षक और पैराफिटर्स, और आते ही सरकार के साथ वो खत्म कर दी गई। और उसके अलावा फिटर्स जो हैं जितनी तादाद में होने चाहिए उसे बहुत कम है। तो आज मैं ये हम बोल के आए हैं कि लोगों को पानी दो, अगर पानी नहीं दे सकते अब नलकों के बीच में तो ट्रक्स लगाओ, ट्रैक्टर्स लगाओ। अब आप सरकार चुनी गई है, लोगों के लिए चुनी गई है, लोगों को हितों को देखने के लिए चुनी गई है, पर ये नहीं है कि आप उनको पानी ना दो, झूठे आश्वासन और भाषण देते जाओ, तो ये बात नहीं चलेगी। और एक बहुत बड़ी एक जो नूरपुर के साथ एक और बहुत बड़ा भद्दा मजाक हुआ है, नूरपुर का जो हॉस्पिटल है इसको हमारे समय में 100 बेड का हुआ था, 17 डॉक्टर्स तकरीबन 16-17 डॉक्टर्स आए थे और सीटी स्कैन मशीन आई थी और एक 10 करोड़ का एक मदरन चाइल्ड हॉस्पिटल भी सैंक्शन हुआ था, जिसका शिलान्यास भी किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय जेपी नड्डा जी के हाथों से हुआ था धर्मशाला में।
और अब 6 महीने हो गए हैं और उसके दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां पे आए और 200 बेड का हॉस्पिटल भी अनाउंस करके गए। और आज क्या हुआ है, नूरपुर से 4 डॉक्टर ट्रांसफर हो गए हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन चले गए हैं, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या नाम है प्रताप चले गए हैं, डॉक्टर नीलम चले गई हैं, और जो हड्डियों वाले मैंने कहा डॉक्टर चले गए हैं, और एक और डॉक्टर चले गए हैं, और जितने यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं सबको रेफर किया जा रहा है टांडा या पठानकोट। जहां पे एक तरफ कहते हैं कि नूरपुर का 200 बेड हॉस्पिटल जोनल हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे यह हालत हो गई है कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी सारे चले गए हैं। तो मैं सरकार से अपील करूंगा, यहाँ के विधायक से अपील करूंगा कि आप अगर आपके लोगों ने चुनके भेजा है, आपका फर्ज बनता है कि लोगों के हितों की रक्षा करो और जो नूरपुर के साथ अनदेखी मत होने दो। आपका जो एक पानी की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, अगर हम आपका सहयोग करेंगे, हर चीज में सहयोग करेंगे, क्योंकि लोगों ने आपको चिताके भेजा है, हम आपका साथ देंगे हर अच्छे काम के लिए, पर जहां पे ऐसे अनदेखी होगी तो हम आज चुप नहीं बैठने वाले।